हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ फ्री द फर्स्ट। गाइस आज हम लोग फिर से आ गए एक और न्यू वीडियो के साथ। गाइस आज का वीडियो गाइस बहुत ही ज़्यादा ओपी होने वाला है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग गन कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके साथ आपका गेम प्ले एकदम ओपी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बंदे को पता नहीं है किस गन के साथ किस गन का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है या फिर बुरा होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये सब का सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, और बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस गन कॉम्बिनेशन बताने से पहले आपको जानना ज़रूरी है कि फ्री फायर में कितने टाइप्स के गन आते हैं। जैसे एसॉल्ट हो गया, मतलब एआरके गन हो गया, एसएमजी हो गया, स्नाइपर हो गया, शॉटगन हो गया। तो गाइस ये सब तो आपको पता ही है, बट आपको जानना ज़रूरी है कि किस गन के साथ, जैसे स्नाइपर के साथ क्या आप एसएमजी यूज़ करोगे या फिर शॉटगन यूज़ करोगे, और क्यों यूज़ करोगे ये भी जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगा कि अगर आपको कोई गन नहीं मिला तो आप अच्छे से एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो और अच्छे से खेल सकते हो। तो कॉम्बिनेशन जानने से पहले आपको हर एक गन का आपको पावर जानना पड़ेगा कि क्यों हम एसएमजी शॉर्ट रेंज में यूज़ करें या फिर शॉटगन हम लोग शॉर्ट रेंज में यूज़ करें क्यों। तो गाइस बिना देखे हम लोग अपने फर्स्ट कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते कि आप लोग स्नाइपर जो AWM के साथ आप कौन सा गन यूज़ कर सकते हो, या फिर M82B या फिर K98 के साथ आप कौन सा गन यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर गाइस बात कर लेते AWM की, जो सबसे घातक स्नाइपर है। तो गाइस उसके साथ आपको हर समय यूज़ करना चाहिए MP5 या फिर UMP। तो गाइस ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने MP40 क्यों नहीं बताया, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आप समझ लो, अब जैसे बंदे को 150 का आप जैसे मारोगे, और आपको तो पता ही AWM से 150 का बहुत जोर से गाइस लगता है एकदम। तो अगर जैसे ही आप लोग 150 का मारोगे, वैसे आप जल्दी से अपना गन स्विच करोगे, और MP5 से मारने से ही बंदा एकदम से ख़त्म हो जाएगा। बट अगर आपके पास अगर MP40 रहा तो आप लॉन्ग रेंज में नहीं मार पाओगे, और आपको तो पता ही है गाइस जो लोग स्नाइपर यूज़ करते हैं वो हमेशा लॉन्ग रेंज में खेलते हैं, जिससे अगर उनका शॉट मिस भी हो गया वो अचानक से कवर भी ले सके। बट जब आप लॉन्ग रेंज में, तो आपको तो पता ही MP40 आप चला नहीं पाओगे। बट गाइस MP5 आप शॉर्ट रेंज में भी चला सकते हो और लॉन्ग रेंज में भी चला सकते हो। और गाइस मैंने P90 क्यों नहीं बताया गाइस, क्योंकि P90 में गाइस बहुत ज़्यादा रिकॉयल होता है, और मैं प्रेफर नहीं करूँगा गाइस आपको AWM के साथ P90 यूज़ करने का। बट गाइस अगर आप लोग P90 बहुत ही अच्छा चलाते हो तो आप यूज़ कर सकते हो P90। तो आप बात कर लेते हैं MA2B के साथ आप क्या गन यूज़ कर सकते हो। तो गाइस MA2B के साथ आप लोग गाइस MP40 या फिर MP5 फिर से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि गाइस आप ग्लू वॉल के आर पार भी मार सकते हो। तो इसलिए अगर बंदे अगर खुले जगह में भी खड़े हैं तो भी आप मार सकते हो इजीली। अगर आप बंदे ग्लू वॉल के पीछे, तब तो आप एकदम हैकर की तरह मार दोगे MA2B से। और अगर शॉर्ट रेंज में आ जाए तब भी आप MP40 से भी मार सकते हो और MP5 से भी मार सकते हो। और गाइस आप लोग सोचोगे मैं MP5 इतना यूज़ करने का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है गाइस MP5 का डैमेज भी बहुत अच्छा है और रिकॉइल भी ज़्यादा नहीं रहता है। तो आप MP40 और MP5 दोनों ही यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो तो आप UMP भी यूज़ कर सकते हो, आप P90 भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं बहुत ही ख़तरनाक गन K98 के बारे में। तो गाइस मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि K98 अगर आपके पास बायोमेट्रिक स्कोप है तब तो आप एकदम OP लेवल K98 चला सकते हो। बट अगर आपके पास बायोमेट्रिक स्कोप नहीं है तो आप K98 बिल्कुल मत चलाओ, क्योंकि उसमें डैमेज भी 63 देता है और ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि K98 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बायोमेट्रिक के साथ यूज़ करो, और उसके साथ आप कुछ भी डबल K98 ले सकते हो, दोनों में अगर बायोमेट्रिक है तो एकदम OP। और या फिर आप उसके साथ MP5 भी ले सकते हो, या फिर कोई एसॉल्ट ले सकते हो, मतलब जैसे AK हो गया या फिर स्कार हो गया। क्योंकि जैसे आप बंदे को 63 का डैमेज दोगे
आप स्कार के साथ उसको मार के फिनिश भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया गाइस पहला कॉम्बिनेशन, तो अब बढ़ते गाइस अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की ओर। तो गाइस अब बात कर लेते हैं एआर गन के बारे में, जैसे एक के हो गया, स्कार हो गया या फिर एक से मेट हो गया, इन गन के साथ आप कौन सा गन यूज़ कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एक के साथ आप कौन सा गन यूज़ कर सकते हो। ऐसे तो गाइस आप असॉल्ट के साथ मतलब एआर एमओ के गन के साथ आपको हर समय गाइस शॉर्ट गन जो M1887 है तो उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि गाइस वो दो शॉट में आप एनिमी को ख़त्म कर सकता है। और अगर आपके पास ट्रॉपिकल पैरोट या फिर कोई दूसरा कोई स्किन है तो आप तो एकदम मतलब गॉड लेवल मार सकते हो एकदम उसके साथ। और अगर आप MP40 अच्छा चला लेते हो, अच्छा ड्रैग मारते हो MP40 से, तब भी आप MP40 यूज़ कर सकते हो एक के साथ। और XM8 के साथ गाइस आपको हर समय M188 यूज़ करना है। और गाइस स्कार के साथ आप दोनों चला सकते हो, MP40 भी चला सकते हो और M188 भी चला सकते हो। बट मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि आपको गाइस ARMO गन के साथ आपको हर समय शॉर्ट गन चलाना चाहिए, जिससे क्योंकि ARMO गन से आप लॉन्ग रेंज में और मिड रेंज में दोनों में ही आपको बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। आप शॉर्ट रेंज में भी मतलब एकदम मिड रेंज में आप अगर स्कार से किसी को डैमेज दोगे अच्छा ही डैमेज आएगा, 23 का डैमेज आ सकता है। बट अगर बंदा आपके बहुत क्लोज आ जाता है तब आप M188 से शॉर्ट गन से आप दो गोली में या फिर 3 से 4 गोली में बंदे को एकदम ख़त्म कर सकते हो। और वहाँ पर अगर आप SMG यूज़ करते हो तो आपको बहुत सारा मतलब ड्रैग मारना हो पड़ेगा या फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो मैं पर्सनली आपको बताता हूँ कि आपको हर समय गाइस शॉर्ट गन का यूज़ करना चाहिए असॉल्ट के संग। और गाइस अगर आप लोग MP40 से अगर खेल रहे हो तो आपको कैसे खेलना है मैं भी आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग MP40 से खेल रहे हो तो आपको कुछ डिस्टेंस बना के रखना है, जैसे मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है, 4 to 5 meters का डिस्टेंस आपको बना के रखना है, जिससे अगर बंदे के पास अगर आपके एनिमी के पास भी अगर M18 रहा तो आपको वो ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा। बट आपके पास जब MP40 रहेगा आप उसको बहुत ही अच्छा डैमेज दे पाओगे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं गाइस कम रेट ऑफ फायर गन के बारे में, जैसे गाइस विदाउट रेज कोड M14 हो गया या फिर ड्रैगन अप हो गया या फिर SKS हो गया। गाइस इन सब गन में गाइस एक चीज़ वीक है, वो है इनका रेट ऑफ फायर बहुत ही ज़्यादा कम है। बट गाइस इनमें एक चीज़ बहुत ही तगड़ा है जो कि है इनका डैमेज। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा OP लेवल का डैमेज देते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है ड्रैगन अप विदाउट वेस्ट गाइस 300 या 400 का डैमेज दे देती है और SKS तो बहुत ही ज़्यादा OP डैमेज भी देती है। तो गाइस इन लोगों के साथ आप कौन सा गन यूज़ कर सकते हो। गाइस इन सब के साथ गाइस आप लोग MP40 या फिर M187 यूज़ कर सकते हो, क्योंकि गाइस ये लोग तो ये गन लॉन्ग रेंज में तो OP वाला डैमेज आपको दे देंगे, जैसे कि आपको पता है 50 से प्लस ही डैमेज देते हैं। और गाइस M14 भी बहुत ही तगड़ा डैमेज देते हैं। तो इन सब के साथ गाइस आप SMG भी यूज़ कर सकते हो, जैसे MP5 हो गया या फिर MP40 हो गया, जिससे आप क्लोज शॉर्ट रेंज में भी MP40 अगर आप लोग बहुत ही तगड़ा चला जाओ तो आप MP40 यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लोग M187 भी यूज़ कर सकते हो शॉर्ट रेंज के लिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा गन ज़्यादा अच्छा चलाते हो। अगर आप MP40 से अगर आप अच्छा से ड्रैग मार सकते हो तो आप लोग MP40 यूज़ करो, ना कि M187। अगर आप M187 से OP 1-tap मारते हो तो भी M187 यूज़ करो, बट अपना गन मत चेंज करो। तो गाइस अब बात करते हैं गाइस अपने लास्ट पॉइंट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस इस वीडियो में मैंने जितना भी आपको कॉम्बिनेशन बताया AR के गन के साथ आपको M187 यूज़ करना है, गाइस इतने सारे मैंने कॉम्बिनेशन बताए। बट अगर आप लोग एक काम करते हो कि आज से आपने AR के साथ M187 चलाना स्टार्ट कर दिया, बट सबसे पहले से आप लोग कभी M187 चलाते नहीं थे, आपको बस MP40 प्लेयर हो, या फिर आप M187 प्लेयर हो बट आज से आप लोग MP40 चला रहे हो, तब ऐसा मत करो गाइस। आपको जिस गन से अच्छा से खेलना आता है, जैसे कि मुझे गाइस पर्सनली MP40 मैं बहुत ही तगड़ा चला रहा तो मैं गाइस MP40 यूज़ करता हूँ, और रमित भाई गाइस M188 बहुत ही तगड़ा चलाते हैं तो वो M187 ही यूज़ करते हैं। तो गाइस अपना जो आप जो गन एकदम OP लेवल चलाते हो गाइस उसी गन का यूज़ करो, और जो लॉन्ग रेंज में गाइस मैं पर्सनली स्कार यूज़ करता हूँ और रमित भाई XM8 भी चला लेते हैं और AN94 भी चला लेते हैं, जिसका रेट ऑफ फायर गाइस बहुत ही ज़्यादा OP लेवल का है।
तो गाइस आपको जो गन का कॉम्बिनेशन जिसमें आपको एकदम अच्छा लगता है खेलने में, ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम प्ले होता है गाइस। जैसे कि मुझे गाइस कार और MP40 से मैं गाइस एकदम ओपी गेम प्ले कर सकता हूँ। रमित भाई जैसे X78 और M1887 से गाइस ओपी गेम प्ले कर सकते हैं। वैसे ही आपको गाइस एक कॉम्बिनेशन बना लेना है और उसी के साथ आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप देखोगे गाइस आपका गेम प्ले गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। और गाइस इस वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स बताया कि किस गन के साथ आपको ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसी गन का यूज़ करना पड़ेगा। आपको जो खुद का पर्सनली जो आपको अच्छा लगता है चलाने में, आप जिसमें कंफर्टेबल हो गाइस, हर समय उसी का ही यूज़ करो। तो उम्मीद करते हैं गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हम लोग आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस लाते रहते हैं। और पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर कर देना, और मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।